आज मैं आपके लिए एक इतनी जरूरी एप्लीकेशन लाया हूं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। राशन की दुकान से किसको शिकायत नहीं है, सभी को इससे शिकायत रहती है, ये नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहे, गेहूं नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीजें हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता व्यक्ति को रहती है, विशेष रूप से चीनी, चीनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो कैसे शिकायत करें, कितनी जरूरी एप्लीकेशन है, हर एक को जरूरत है इसकी। एग्जाम में आ जाए तो फायदा, और असलियत में आपको शिकायत करनी है, वास्तव में आपको किसी की शिकायत करनी है, तब भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इस एप्लीकेशन की आवश्यकता है। लिखेंगे टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कॉमा भागवत गेट कॉमा रामपुर, जगह का नाम, शहर का नाम। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय क्या है आपका, कंप्लेंट माने शिकायत अगेंस्ट द स्कैरसिटी, स्कैरसिटी माने कमी, स्कैरसिटी ऑफ शुगर, चीनी की कमी, दुकान पे मिली ना रही है, एंड केरोसिन ऑयल और मिट्टी का तेल, इसकी ज्यादातर आवश्यकता रहती है सब में, तो इसके खिलाफ कि नहीं मिल रही ये चीजें, कम है, शिकायत की गई है दुकानदार की। रेस्पेक्टेड सर, लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद विद ड्यू रेस्पेक्ट, आदर पूर्वक, आई बेग टू ब्रिंग ए फ्यू फॉलोइंग लाइंस अंडर योर काइंड कंसीडरेशन, मैं आपके संज्ञान में कुछ जरूरी चीजें, कुछ जरूरी लाइनें लाना चाहता हूं, एंड फेवरेबल एक्शन, किसके लिए, कि जिससे आप आवश्यक कार्रवाई कर सकें, अनुकूल कार्यवाही कर सकें, फेवरेबल एक्शन ले सकें। अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है देखें, जो शिकायत है वो आपको लिखना है, दैट लिखेंगे, दैट द फेयर प्राइस शॉप्स, कि जो दुकानें हैं राशन की दुकानें हैं, आर एस्टेब्लिश्ड इन ईच लोकेलिटी, सभी मोहल्लों में राशन की दुकानें हैं, बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जिनकी स्थापना की गई है, एस्टेब्लिश्ड, आर एस्टेब्लिश्ड, स्थापना की गई है, टू मेक अवेलेबल द एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए इन दुकानों की स्थापना की गई है, जिससे गरीबों में राशन वगैरह बढ़ सके, टू द फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप कहलाती है ये, बट इट इज ए ग्रेट पिटी, बड़े दुख की बात है, इट इज ए ग्रेट पिटी, बहुत दुख की बात है, खेद की बात है, दैट द फंक्शनिंग ऑफ द शॉप इज फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, द फंक्शनिंग ऑफ द शॉप, जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं, जिस दुकान की, या शॉप्स भी लिख सकते हैं इस जगह, इज नॉट प्रॉपर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये इज फार फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि संतुष्टि से बहुत दूर है, अर्थात लोग संतुष्ट नहीं है इसके कार्य से, फंक्शनिंग, इसके कार्य से, कार्य करने के ढंग से लोग संतुष्ट नहीं है। अब इसके नीचे लिखेंगे अगले पैराग्राफ से, बोथ द शुगर एंड केरोसिन ऑयल आर रिपोर्टेड, अक्सर ये लिख दिया जाता है कि चीनी और तेल आर रिपोर्टेड, लिखा जाता है या रिपोर्ट किया जाता है, नॉट टू बी इन स्टॉक, लिख दिया जाता है कि ये स्टॉक में नहीं है, अर्थात भंडार गृह में नहीं है, Not to be in stock या out of stock, ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे लिख दिया जाता है दुकानों पे। एज ए रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट द पीपल आर कंपेल्ड, लोग मजबूर हैं, पीपल आर कंपेल्ड, लोग मजबूर हैं टू बाई दीज थिंग्स, ये आवश्यक चीजें जैसे चीनी है, तेल है, ये सब चीजें लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, लोग मजबूर हैं बाहर से लेने में, कंपेल्ड टू बाई दीज थिंग्स फ्रॉम प्राइवेट शॉप्स, प्राइवेट शॉप से लेने को मजबूर हैं, क्या करें जब मिली नहीं रही है वहां पे। तो इट इज हर्ड, ये सुना गया है कि, इट इज हर्ड, यह सुना गया है कि, डेट लगा देंगे, डेट का अर्थ है कि, द प्राइवेट शॉप गेट्स सप्लाई फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप इन ब्लैक,
पैसे ज्यादा देकर जो असली दुकान वाले राशन वाले प्राइवेट शॉप को सामान बेच देते हैं फ्लैट में ज्यादा पैसे लेकर उससे। अगेन द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर। अब इसमें व्यवहार के बारे में बताया गया है कि शॉपकीपर का जो व्यवहार है वह रूड है, रूड माने बदतमीजी से बोलता है। अगेन द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर इज टू रूड, टू रूड टी डबल ओ है, अर्थात बहुत बदतमीजी का व्यवहार है, रूखा व्यवहार है। ही थ्रेटन्स, वो धमकी देता है, दुकानदार धमकी देता है। ही थ्रेटन्स एंड सेज, और कहता है दैट नथिंग कैन हार्म, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नथिंग कैन हार्म मी, और लिख दीजिए इसके आगे नथिंग कैन हार्म मी। एज, एज माने क्योंकि, एज माने क्योंकि ही हैज गुड अप्रोच टू सम हाई ऑफिशियल, कि मेरी बड़ी ऊपर तक पहुंचे, ये कहता है राशन वाला कि मेरी, मेरा तुम कुछ ना बिगाड़ सको, मेरी ऊपर तक पहुंचे, बड़े बड़े ऑफिसर से पहुंचे। देखे सम हाई ऑफिशियल्स, अप्रोच, अप्रोच माने पहुंच, टू सम हाई ऑफिशियल्स। आगे देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम हिज शॉप इज फाउंड लॉक्ड, ज्यादातर तो उसकी दुकान पे अधिकतर तो ताला पड़ा रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर अधिकतर समय, हिज शॉप इज फाउंड लॉक्ड, पाई जाती है, इज फाउंड पाई जाती है लॉक्ड, ताला लगा हुआ, अधिकतर समय तो ताला लगा रहता है। द क्वालिटी ऑफ द राशन इज इनफीरियर टू, और जो दुकान के में जो सामान मिलता है वो थोड़ा घटिया और होता है, घटिया किस्म का और होता है। द क्वालिटी ऑफ द राशन इज इंफीरियर टू, इंफीरियर माने घटिया, टू माने भी, और जो सामान बिकता है जो राशन की दुकान पर सामान मिलता है वो घटिया भी। ये आपकी बिल्कुल ओरिजिनल कंप्लेंट है, ऐसी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल। देखें देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या आपसे प्रार्थना की जाती है। यू आर रिक्वेस्टेड विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना की जाती है। विद फोल्डेड हैंड्स माने हाथ जोड़कर, टू लुक इन टू द मैटर, कि आप इस बात पर ध्यान दें, टू लुक इन टू द मैटर, इस बात को देखें, एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और आवश्यक कार्यवाही करें, नेसेसरी एक्शन आवश्यक कार्यवाही करें, एंड रिड्रेस, और हमारी जो परेशानियां हैं उसको दूर करें, एंड रिड्रेस आवर ग्रीवांसेस, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों का हरण करें, उन दुखों को दूर करें, इमीडिएटली जल्दी से जल्दी, या एज सून एज पॉसिबल, इस जगह लिख सकते हैं जितनी जल्दी हो सके, एंड ऑफ लाइफ, और हमें अनुग्रहित करें, या आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, यदि एक से अधिक लोगों ने शिकायत की है तब। अब सबसे नीचे लिखेंगे सिंसियरली योर्स, आपका अपना एस मित्तल, यानी कोई नाम लिख दीजिए, रेजिडेंट ऑफ भारत, ये पता लिख दीजिए, भागवत गेट या कोई जो भी पता आपका हो वो आप पता लिख दीजिए, भागवत गेट लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका अपना पता हो वो लिख दीजिए, और रामपुर लिख दीजिए, जगह का नाम लिख दीजिए, वार्ड मेंबर लिख सकते हैं, यदि कोई ऐसे है कि किसी अध्यक्ष हो किसी चीज समिति के तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि समिति के प्रेसिडेंट जो है ये शिकायत कर रहे हैं। और आगे लिखेंगे डेट, डेट लिखनी बेहद आवश्यक है, तो ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, राशन की दुकान की शिकायत। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।